थोड़ा ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं, अभी इस बाइक जो 60 प्लस है, थोड़ा पुल करते हैं। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मिलता है, लेकिन रियर का मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है। देखते हैं इधर पे टच होता है या नहीं डुअल स्टैंड। सो ये थोड़ा मुझे नेगेटिव लगा। सो हेलो गाइस, पे होने में वेलकम टू माय YouTube चैनल एपी मोटर ब्लॉग्स। सो गाइस, सब लोग कैसे हो? ऊपर से लोग बढ़िया और बढ़िया रहे ना मेरे तरह। तो देख पा रहे हो मेरे पीछे आज खड़ी हुई न्यू होंडा SP160। ऑलरेडी मैंने इस बाइक के ऊपर रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज का कंटेंट होने वाला है, अगर आप लोग इस बाइक को बाय करना चाहते हो सो ऑन रोड मतलब राइडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा मिलेगा। सो आप लोग सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, देन में डायरेक्ट मिलते हैं आप लोगों के साथ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। सो गाइस, देख पा रहे हो इधर पे खड़ी हुई न्यू होंडा इस रेड कलर। अगर आप लोग इस बाइक को बाई करना चाहते हो सो ऑन रोड पे आप लोग कैसा राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, वही गाइस मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग इस मॉडल को बाई करते हो, क्यों बाई करोगे, कुछ 5 पॉजिटिव पॉइंट एंड अगर कुछ भी मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है वो भी मैं गाइस आप लोगों को इस वाले वीडियो बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने गाइस इस बाइक के ऊपर रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज का कॉन्टेंट होने वाला है मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस न्यू होंडा SP, देख पा रहे SP160 E20 OBD2 मॉडल रेड कलर, कैसा क्या परफॉर्मेंस करता है वही मैं गाइस सब लोग बताऊंगा। ओवरऑल देख पा रहे हो इंजन जो है थोड़ा एक्सब्लेड एंड यूनिकॉर्न की तरह लगेगा। एग्जॉस्ट जो है पूरा ही गाइस यूनिकॉर्न की तरह मिलता है, किक स्टार्ट वगैरह आप लोग देखने को मिल जाता है। सिंगल चैनल ABS अभी भी आप लोगों को मिलता है, डुअल चैनल ABS अभी भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। फ्रंट पे देख पा रहे इधर पे ABS का प्लेट है एंड रियर पे गाइस ABS का प्लेट देखने को नहीं मिलेगा। डुअल डिस्क मॉडल है मतलब टॉप वेरिएंट है एंड कलर स्कीम ग्राफिक्स वगैरह आप लोग जरूर कमेंट करके बताने कि आप लोगों को पर्सनली कैसा लग रहा है। फुल्ली गाइस नेगेटिव डिस्प्ले आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलता, लेकिन CB300F&R पे जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है ना वैसा सेम टू सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल प्रोवाइड किया है। एंड GoPro मोड पे मैं गाइस आपको एग्जॉस्ट नोट सुना दे रहा हूँ। सो ऐसा कुछ गाइस एग्जॉस्ट नोट है। मेरा हाइट है 5.10 फीट, दोनों तरफ इजीली पैर पहुँच रहा है, मतलब 5.5 या 5.4 का बंदा है ना वो भी गाइस इस बाइक को इजीली राइड कर पाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट अगर बताऊँ ना इस बाइक का सिटिंग पोस्चर, एकदम ही अपराइट सिटिंग पोस्चर में नहीं कह सकता हूँ। 10% जो है आपको सामने की तरफ थोड़ा सा झुक के बैठना पड़ता है, थोड़ा सा फुट पैक्स पीछे की तरफ नहीं है, सामने की तरफ ही आप लोग इजीली टैंक को पैर से ग्रिप कर पाओगे। एंड बहुत ही ज़्यादा ह्यूज मस्कुलर फ्यूल टैंक प्रोवाइड किया है SP160 पर, वो गाइस आप लोग राइड करने के टाइम पे फील आ जाएगा। थोड़ी देर बाद गाइस पावर टेस्ट करेंगे, ब्रेक टेस्ट करके भी देखेंगे कैसा ब्रेकिंग बाइट आप लोग प्रोवाइड करता है। एंड मैं भी गाइस विथ पिनियन राइड कर रहा हूँ, सीट लेंथ वाइज कुछ भी गाइस दिक्कत नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ गाइस आप लोगों को हॉर्न मिलता है एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह, क्लॉक, RPM, स्पीड, टोटल ओडोमीटर, रियल टाइम एवरेज वगैरह हर एक चीज़ आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट कौन सा प्रोवाइड करता है। एंड इस मॉडल पे अगर डुअल चैनल ABS होता और भी ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन अभी भी गाइस आप लोग सिंगल चैनल ABS ही प्रोवाइड करता है। क्लच गाइस बटर ही स्मूथ है एंड मैंने एकदम ही फोर्थ गियर या फाइव गियर से फर्स्ट गियर पे आया, गियर शिफ्टिंग पे हार्डनेस वगैरह फील नहीं आया, स्मूथली गियर शिफ्ट हुआ। एंड हैंडल ना थोड़ा राइज किया हुआ है, जैसे देख पा रहे हो इधर से बहुत ही ज़्यादा हैंडल ऊपर की तरफ आप लोगों को मिलता है, क्लिप ऑन हैंडल वगैरह नहीं है, स्ट्रेट हैंडल है। एंड अगर स्विच की बात करूँ लेफ्ट साइड पे पासिंग अपर डीपर इंडिकेटर नीचे मिलता है हॉर्न, राइट साइड पे का सीजन किल स्विच के साथ हैजर्ड को ऑन ऑफ कर पाओगे, मतलब कंपनी फील्ड इधर पे हैजर्ड भी मिलता है। देन नीचे की तरफ आप लोगों को मिलता है सेल्फ, पावर है बाइक में, मतलब थ्रॉटल खोलते ही एक गाइस आप लोग पावर का फील आएगा, लेकिन एग्रेसिव पावर नहीं है जैसे आप लोगों को N160 में प्रोवाइड करता है ना, वैसा एग्रेसिव पुल आप लोगों को फील नहीं आएगा, थोड़ा स्मूथ पावर डिलीवरी करता है। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो थोड़ा सा स्पोर्टी डिज़ाइन लेकिन डेली कम्यूट करना चाहते हो, उतना ज़्यादा एग्रेसिव पावर आप लोग पसंद नहीं करते हो, उन लोगों का यह पावर बढ़िया लगेगा। एंड क्लच गाइस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा,
मतलब आप लोग एक फिंगर से भी कर पाओगे। सो ऐसा कुछ एग्जॉस्ट नोट है। थोड़ा हाई रेफ पे मतलब थोड़ा हाई आरपीएम पे ना गाइस बाइक का साउंड और नेचर दोनों ही गाइस चेंज हो रहा है एंड मजा आ रहा है बाइक को राइड करके। अभी मैं 4 नंबर गियर पे राइड कर रहा हूँ, मैंने अभी डाल दिया 5 गियर, सो 70+ में राइड कर रहा हूँ। कुछ भी गाइस उतना ज़्यादा मुझे फुट पे स्टैंग पे वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं आ रहा है। एंड और एक चीज़, बाइक जो है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल है, रोड को पकड़ के फिर भागता है। 70 स्पीड में राइड किया, एकदम भी गाइस अनस्टेबल फील नहीं आया, अच्छा खासा रोड ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। एंड 5000 RPM के बाद बाइक का रिस्पॉन्स एंड नेचर दोनों ही चेंज हो रहा है। अगर सस्पेंशन की बात करूँ, फ्रंट पे टेलीस्कोपिक एंड रियर पे गाइस मोनोशॉक सस्पेंशन प्रोवाइड किया है। सो छोटे मोटे गड्ढे उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं आ रहा है, ईजिली गाइस एब्जॉर्ब कर ले रहा है। एंड हैंडल की अगर बात करूँ, मतलब हैंडलिंग सो थोड़ा हैवी है, उतना ज़्यादा फ्लिकेबल एंड उतना ज़्यादा लाइट वेट फील नहीं हो रहा है मुझे, थोड़ा सा गाइस हैवी हैंडलिंग है। सो ये गाइस आप लोग को हाई स्पीड पे मज़ा भी दिलाएगा, जब आप लोग थोड़ा हाई स्पीड पे राइड करोगे ना उस टाइम पे गाइस स्टेबिलिटी ज़्यादा फील आता है, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा फील आता है। अगर बहुत ही ज़्यादा लाइट हैंडलिंग प्रोवाइड करता, अगर बहुत ज़्यादा हैंडलिंग लाइट होता तो उसमें आप लोगों को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता हाई स्पीड पे राइड करने के टाइम पे। सो इधर पे गाइस थोड़ा ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं, अभी इस बाइक जो 60+ है। और नाइस फ्रंट ब्रेक का बाइट गाइस सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, रियर का भी अच्छा है लेकिन फ्रंट पे डिस्क है एंड ABS मिलता है ना, इसके लिए आप लोगों को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। थोड़ा पुल करते हैं, मैंने गया था गाइस, बाइक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, मतलब 70-75+ जब जा रहा है ना उस टाइम भी गाइस आप लोगों को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब रोड ग्रिप अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। एंड क्लच इतना ज़्यादा बढ़िया है, गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, सो इसके वजह से आप लोगों को पुल करके भी मज़ा आएगा। एंड आप लोग चेक कर पा रहे हो कि बाइक जब हाई RPM में जा रहा है उस टाइम साउंड एंड बाइक का नेचर दोनों ही चेंज हो रहा है। एंड किक स्टार्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करता है इस वाले मॉडल पर, ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि किसी भी टाइम पर अगर बैटरी डेड हो जाए ना उस टाइम पर राइडर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किक स्टार्ट। एंड कंपनी फिर हैज़र्ड वगैरह आप लोगों को मिल जाता है। और मिरर्स की बात करूँ, नॉर्मल सी होंडा का दूसरे सब मॉडल पे मिलता है ना, वैसे सेम टू सेम मिरर्स इस वाले मॉडल पे प्रोवाइड किया है। इतना तक राइडर का हैंडल है, बाकी जो पूरा पीछे का व्यू प्रोवाइड करता है। मैं भी गाइस विद पिनियन राइड कर रहा हूँ, फिर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर सीट की बात करूँ, मीडियम सॉफ्ट है, मतलब उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम सॉफ्ट आप लोगों को सीट कुशनिंग प्रोवाइड किया है। एंड सस्पेंशन ना गाइस रियर का मीडियम सॉफ्ट है, फ्रंट पे जैसे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिलता है, लेकिन रियर का मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है। अगर आप लोग एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मोनोशॉक सस्पेंशन प्रोवाइड किया है इस वाले मॉडल पे, ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है। एंड वाइब्रेशन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है, एंड आप लोगों को पता ही है कि होंडा का इंजन कितना ज़्यादा रिलायबल एंड स्मूथ प्रोवाइड करता है, सो वो स्मूथनेस भी आप लोगों को फील आएगा। एंड इस मॉडल पर अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉलर मैसेज अलर्ट, टर्मोडाइन नेविगेशन वगैरह, दैन चार्जिंग पोर्ट, डुअल चैनल ABS, ये सब का कमी है, हो सकता है जल्दी होंडा अपडेट कर दे इस वाले मॉडल पर। सो बहुत देर से रोड पर राइड कर लिया, सो इसके लिए आए हैं थोड़ा गलियों के अंदर। इधर पर थोड़ा बाइक को टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस है ख़राब सी रोड पर, क्योंकि अगर आप लोग इस बाइक को बाइक करते हो, ऐसा नहीं सिर्फ रोड पर ही राइड करोगे, गलियों के अंदर भी घूमोगे ना, इसके लिए मैं गाइस कोशिश कर रहा हूँ इस बाइक को हर एक कंडीशन पर टेस्ट करके देन मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं। सो अभी देख पा रहे हो थोड़ा सा ख़राब रोड पे मैं राइड कर रहा हूं, सो रियर सस्पेंशन अच्छा खासा झटका फील करवा रहा है। एंड अगर माइलेज की बात करूं, अगर आप लोग इस बाइक के ऊपर माइलेज वीडियो देखना चाहते हो कॉमेंट करके बताओ, आप लोगों के लिए मैं माइलेज वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। एंड ईजिली 40-45 तक अप्रोक्स आप लोगों को मिल ही जाएगा, क्योंकि FI है, 160 CC का बाइक है,
एंड होंडा का इंजन है गाइस। होंडा का इंजन के बारे में अगर कुछ आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है। सो देख पा रहे मैं अभी बहुत ज़्यादा खराब सी टूटे फूटे रोड पर राइड कर रहा हूँ। सीट गाइस थोड़ा मीडियम सॉफ्ट है। अगर सीट कुशनिंग और भी थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, रियर सस्पेंशन भी सॉफ्ट होता ना, आप लोगों को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिलता। सो ये थोड़ा मुझे नेगेटिव लगा, मतलब जो मुझे फील आ रहा है वही गाइस आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आप लोग काउंट कर लेना। अगर कोई बंदा ऐसा है कि डेली कम्यूट करना चाहते हो, थोड़ा फैमिली को लेके ज़्यादा राइड करना पसंद करते हो, उन लोगों के लिए मॉडल जो है बेस्ट होने वाला है, क्योंकि पावर है, एग्रेसिव वाला पावर नहीं है, स्मूथ पावर डिलीवरी करता है, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को मिल जाएगा, फ्रंट में एबीएस वगैरह मिल जाता है टॉप मॉडल पर, एंड चलने में भी गाइस लाइट वेट है, हैंडल थोड़ा हैवी है, लेकिन वो मज़ा आएगा आप लोग हाई स्पीड पर राइड करने के टाइम पे। देखते इधर पे टच होता है या नहीं डुअल स्टैंड। नहीं 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 टच नहीं हुआ, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है। इंडियन रोड पे स्पीड ब्रेकर्स गाइस बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है राइडर को, थोड़ा अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है ना उस टाइम पे टच हो जाता है। वाइब्रेशन वगैरह उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं आया टॉप आरपीएम पर भी। टैंक थोड़ा ह्यूज है ना, मस्कुलर है ना, इसके लिए आप लोगों को ऐड करने के टाइम पे मज़ा आएगा। थ्रॉटल खोलती पावर का फील है लेकिन एग्रेसिव नहीं है, ये चीज़ अच्छा है। सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा इस बाइक में वो है रोड स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग स्मूथनेस जो होंडा हर एक मॉडल पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, एंड माइलेज भी आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाएगा। एंड बहुत लोग एसपी 125 का जो लुक है पसंद करते हो लेकिन सीसी की वजह से नहीं बाई करते हो, उन लोगों के लिए भी गाइस ये मॉडल बढ़िया होने वाला है, क्योंकि फ्रंट से अगर देखते हो ना थोड़ा सा एसपी 125 की तरह ही आप लोगों को फील करवाता है, एंड पावर रिस्पॉन्स बढ़िया है, मतलब थोड़ा हाई सीसी का इंजन है ना, सो वो लोग इस मॉडल को पसंद करते हो बहुत ही ज़्यादा। एंड अगर आप डेली कमिट करना चाहते हो कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि नेकेड मॉडल है, इजीली गाइस आप लोग ट्रैफिक कंडीशन में फिल्टर कर पाओगे। चलो इधर पे चेक कर लेते हैं हैंडल रेडियस कैसा आप लोगों को मिलता है। यस, छोटे से जगह से गाइस आप लोग इजीली टर्न कर सकते हो, इतना ज़्यादा ह्यूज मस्कुलर फ्यूल टैंक होने के बाद भी आप लोगों को अच्छा खासा हैंडल रेडियस प्रोवाइड करता है। इस पे गाइस आप लोग सेक्शन इंजन कटऑफ सेंसर भी मिलता है गियर में है, बाइक जैसे ही आप लोग सेक्शन गिराते हो ऑटोमेटिक जो है इंजन को किल कर देगा। एंड यही था गाइस मेरा एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया बाइक है। अगर आप लोग इस बाइक को बाइक करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो, और भी कुछ आप लोग जानना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करते रहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बाय।